हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी में। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आईपीएल का सफर खत्म हो गया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शुक्रवार को एलिमिनेटर मुकाबला गंवाने के साथ ही कोहली का ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। विराट कोहली ने 2013 में पूर्ण रूप आरसीबी की कप्तानी संभाली थी। उनकी कप्तानी में टीम तब से सिर्फ एक बार 2016 में फाइनल में पहुंची, लेकिन खिताब जीत नहीं पाई। गंभीर ने कहा, यह केवल एक साल की बात नहीं है और न ये केवल इस साल की है। मैं विराट कोहली के खिलाफ नहीं हूं, पर कहीं ना कहीं उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है और वो ये कहे, हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जवाबदेह हूँ। हम MS धोनी के बारे में बात करते हैं, हम रोहित शर्मा के बारे में बात करते हैं, हम विराट कोहली के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल नहीं। धोनी ने 3 IPL खिताब जीते हैं, रोहित शर्मा ने 4 IPL खिताब जीते हैं और यही कारण है कि उन्होंने इतने लंबे समय तक कप्तानी की, क्योंकि उन्होंने मौका दिया। मुझे यकीन है कि अगर रोहित शर्मा ने 8 साल तक कुछ नहीं दिया होता तो उन्हें भी हटा दिया जाता। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मापदंड नहीं होना चाहिए। गंभीर ने कहा है कि RCB ऐसी टीम बन गई है जो सिर्फ 2 खिलाड़ियों कोहली और AB डिविलियर्स के आसपास घूमती है। इसमें भी इस साल सिर्फ डिविलियर्स ही मैच जिताऊ प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा, सोचिए अगर डिविलियर्स के लिए सत्र अच्छा नहीं होता तो RCB का क्या हाल होता। इसी के साथ अब देखना होगा आगे चल के ये कि गंभीर का कहना कहीं ये तो नहीं है कि RCB के फ्रेंचाइजियों को अब ये फैसला लेना होगा कि इस टीम के लिए एक नए कप्तान की जरूरत है ताकि वो RCB को IPL का खिताब जिता सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली टीम की कप्तानी बरोबर से नहीं कर पा रहे हैं? यही वजह है कि RCB इस बार भी फाइनल में नहीं पहुंच सके। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के आपकी कोई भी राय तो हमें जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूलें और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल और इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।